तमिल फिल्म स्टार विजय सेतुपति अब मलयालम फिल्मों में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है 19-1A। ये भारतीय संविधान की धारा है आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है। नाम से तो फिल्म काफ़ी टॉपिकल लग रही है। अचानक इसकी चर्चा इसलिए छिड़ी क्योंकि फिल्म का टीज़र आया है। 19 के टीज़र में दो लोग बात करते हुए दिखते हैं। दोनों का काम लेखन से जुड़ा हुआ है और संभव है कि वो दोनों लोग भी लेखन के जरिए ही जुड़े हैं। लेकिन ये फिल्म पॉलिटिकल से ज़्यादा पर्सनल सी ह्यूमन स्टोरी लग रही है। हालांकि मलयालम फिल्मों की यही खासियत रही है कि वो अपनी बातें सटल और सरल तरीके से कहती आई है। देखते हैं कि 19 क्या करने की कोशिश करती है। 19 टेक्निकली विजय सेतुपति की दूसरी मलयालम फिल्म है। विजय ने 2019 में आई मार्कोनी मथाई नाम की फिल्म में एक्सटेंडेड कैमियो किया था। उन्होंने फिल्म में अपना यानी विजय सेतुपति का ही रोल किया था। किसी कैरेक्टर रोल में 19 उनकी पहली मलयालम फिल्म होगी। विजय सेतुपति के साथ इस फिल्म में नित्या मेनन भी नजर आएंगी। नित्या ने पिछले दिनों ब्रीद इन टू द शैडोज सीजन 2 नाम की वेब सीरीज से अपना हिंदी डेब्यू किया था। इन दोनों के अलावा 19 में इंद्रजीत सुकुमारन और इंद्रंश जैसे एक्टर्स भी जरूरी किरदारों में दिखाई देंगे। जैसा कि टीजर में दिख रहा है कि विजय सेतुपति ने एक राइटर का रोल किया है। उनका किरदार तमिलनाडु में पैदा हुआ है मगर रहता केरला में है। उसकी सेंसिबिलिटीज अलग है, वो चीज़ों को अलग तरीके से देखता है। यही खेल विजय के साथ रियल लाइफ में हुआ है क्योंकि वो तमिलनाडु से आते हैं मगर 19 मलयालम फिल्म है। ये चीज़ उनके कैरेक्टर के लिए मददगार साबित हुई है। 19 को इंदु VS ने डायरेक्ट किया है। ये उनके करियर की पहली फिल्म है। हालांकि इससे पहले वो ठीक ठाक काम कर चुकी है। इंदु ने नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर सलीम अहमद के साथ अदमिंदे मकान अबू और पाथे मारी जैसी फिल्मों पर असिस्ट किया था। विजय सेतुपति के साथ काम करने के अनुभव पर इंदु एक किस्सा बताती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि विजय ने मलयालम राइटर का रोल किया है। इस नाते उन्हें अच्छी और साफ मलयालम भाषा बोलनी थी मगर मलयालम उनका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए जिस दिन उन्हें क्लिष्ट मलयालम से डायलॉग बोलने होते थे उन दिनों पर वो जल्दी सेट पर पहुंच जाते थे। डायरेक्टर साहिबा के साथ बैठकर सारे सीन्स डिस्कस करते थे, डायलॉग्स पर काम करते थे, अपना एक्सेंट दुरुस्त करते थे, तब जाकर वो कैमरा के सामने अपना टेक देते थे। 19 के म्यूजिक डिपार्टमेंट से भी विजय सेतुपति का पुराना और तगड़ा कनेक्शन है। 19 के लिए म्यूजिक कंपोज किया है गोविंद वसंत ने। ये वही म्यूजिक डायरेक्टर है जिन्होंने विजय सेतुपति की चर्चित फिल्म 96 का म्यूजिक बनाया था। 96 2018 में आई बड़ी प्यारी कोमल सी प्रेम कहानी है, सफल भी रही। फिल्म की सफलता में उसकी म्यूजिक का भी बड़ा हाथ था। अब विजय और गोविंद इस फिल्म पर दोबारा साथ काम कर रहे हैं। 19 की शूटिंग जनवरी 2021 में खत्म हो चुकी थी मगर पैंडेमिक को देखते हुए अप्रैल 2021 में ये घोषणा कर दी गई कि ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज नहीं होगी। 19 OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी मगर अब तक इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है। आपके लिए इस जानकारी को इकट्ठा किया है हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूँ जीशा, शुक्रिया।